तो ये है भैया मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट 43 इंच का LED, इसका आप रिव्यू बोल सकते हो 2 साल के बाद में, जो कि मैं आपको यहाँ पे रिव्यू दूंगा। 2 साल इस टीवी को हो गए हैं और आपको मैं बताऊंगा पिक्चर क्वालिटी क्या है और साउंड क्वालिटी क्या है और कैसा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिला है। जो कि अभी ये जो टीवी है थोड़ी सस्ती मिल रही है, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज इसको दिया था और परचेज़ करा था ये टीवी। बात करते हैं इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन है। आप अगर देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी इनकी बेहतरीन है। इसके लगभग 1 लाख से ज़्यादा कलर्स इस टीवी में हैं और काफ़ी बेहतर आपको एक्सपीरियंस ये दे सकती है। मैं किसी और चैनल को लगा लेता हूँ तो आपको बिल्कुल भी देख सकते हो आप, जो कि HD चैनल है। और ख़ास इसकी बात ये है कि जो HD चैनल नहीं भी है वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, यानी उनका भी पिक्सल बिल्कुल भी फटता नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँगा सब टीवी मैंने इसमें जो HD है वो नहीं लिया है, क्योंकि उसमें जो तारक मेहता है वो जो रिपीट शो है हम लोग देखते रहते हैं, मेरा भाई मेरी मम्मी, तो HD में वो नहीं मिलते। लेकिन आप देख सकते हो ये HD नहीं है, तभी भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको ये देता है। अगर मैं साउंड की बात करूँ, साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। इसकी साउंड क्वालिटी आपको मैं चेक कराता हूँ, साउंड भी इसका बहुत ही बेहतरीन है। अभी आप साउंड देखिए इनका, ये जो मैंने फुल कर दिया, अगर कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आवाज़ आती है। ये इनका फुल साउंड है। थोड़ा सा फ़ोन में आपको जो साउंड है थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन ओरिजिनल जब इसके सामने आप बैठोगे तो आपको काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस है साउंड के लिहाज से भी देता है। तो देखिए यही होता है एक स्मार्ट टीवी में, कि आपको जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी दिखनी चाहिए, एक साउंड एक बेहतर आपको इस टीवी में मिल जाता है। रिमोट की अगर मैं बात करूँगा तो एक रिमोट इसके साथ में आता है। कि अगर इसकी बात करूँ तो काफ़ी सिंपल सा एक रिमोट इस पे आता है दोस्तों, जो कि मार्क क्यू नीचे लिखा हुआ है और काफ़ी इसके साथ में बैटरी भी आ जाती है। तो रिमोट काफ़ी सिंपल है इसका, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप पीछे देख सकते हो तो यहाँ पे देखिए आप कंप्यूटर अटैच कर सकते हो, आपका USB पोर्ट यहाँ पे दिया है, आप इसको साउंड सिस्टम अटैच कर सकते हो, जो कि सभी इस टीवी में मिल जाता है दोस्तों आपको। अभी काफ़ी सस्ता आपको ये टीवी मिल जाएगा दोस्तों। अगर थोड़ी देर और भी रुकते हो तो आगे दशहरा है, फिर दिवाली है, आप दिवाली दशहरे में ये ले सकते हो, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इन लोग देते हैं। क्योंकि ये इनिशियल फेज़ होता है दोस्तों, इनिशियल फेज़ में जो भी ब्रांडिंग रहती है दूसरे अदर का, उनके जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं उनको देना ही पड़ता है। एक बार फिर ब्रांड सेटल अगर हो गया तो फिर आपको डिस्काउंट मिलना बंद हो जाता है। और यही कंपनी का मेरे पास AC भी है और काफ़ी अच्छा चल रहा है, 1 साल के बाद भी और 2 साल के बाद ये टीवी आपको एक बजट टीवी मिल सकता है और आप इसे बिल्कुल भी परचेस कर सकते हो।